हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की डायरी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत दिन में आ रहा है, मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मेरे भैया की डेथ हुई है और हम सब मेरी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग भी हम सब सदमे में हैं कि अचानक ये सब कैसे हो गया, अचानक उनकी डेथ हो गई है। और मैंने ये वीडियो बना लिया था पर मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं इस वीडियो को एडिट कर सकूं। तो अब कुछ दिन ही हुए हैं और मैंने इस वीडियो को एडिट किया है और मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। तो मेरा ये वीडियो इसीलिए लेट आ रहा है। तो ये हमारी सोसाइटी का जैन मंदिर है। मैं जानती हूँ आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे जैन मंदिर के अंदर भगवान जी कैसे होते हैं, उनका मेथड क्या होता है। तो मैंने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है, तो हम सब देखते हैं। आज सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का मौसम कैसा है दिल्ली में। आज तो मतलब पॉल्यूशन का भंडार है। ये देखो, मैं बस मंदिर जाने ही वाली थी तो मैंने सोचा पहले आपको मैं दिखा दूं कि आज यहाँ की स्थिति कैसी है। तो ये है यहाँ के पॉल्यूशन का हाल। तो अब चलो चलते हैं मंदिर। तो जैसे कि मैं लिफ्ट में हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी से। ये देखो, ये कोरोना फ्री ईयर रिंग है जो चाबी की, इसे आप बटन दबा सकते हो, को खोल सकते हो, गेट खींच के खोल सकते हो। ये देखो कितनी प्यारी है ना। तो दोस्तों, ये मेरे चावल की डिब्बी है, इसमें हम चावल ले जाते हैं। ये आपको मोस्टली हर जैनियों के घर में मिलेगी क्योंकि हम अपने भगवान की पूजा चावल से करते हैं। हम बस मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। तो ये देखो मंदिर का साइड व्यू, और यहीं पर मंदिर का एक गेट और है। तो जो सोसाइटी वाले हैं ना हमारी, वो उस गेट से भी एंटर हो जाते हैं और बाकी के सोसाइटी वाले फ्रंट गेट से एंटर होते हैं। तो ये देखो हम मंदिर पहुँच चुके हैं। ये देखो ये बहुत प्यारा मंदिर है। तो चलो अब हम इसके अंदर चलते हैं। अब मैं आपको अंदर से दिखाऊं कि हम क्या करते हैं। तो अंदर जाते सबसे पहले हम अपने पैर धोते हैं। तो पैर धोने के लिए जब हम टैप को ओपन करते हैं तो वो टैप तो सब छूते हैं, तो फिर वो कोरोना फ्री कैसे हुआ। तो जब हम टैप ओपन करते हैं उसके बाद हम हैंड वॉश करते हैं। तो हैंड वॉश करने के लिए जब हम बेसिन में जाते हैं तो यहाँ सेंसर लगे हुए हैं, आप सिर्फ अपना हाथ आगे करो, पानी अपने आप आ जाता है, आपको कुछ टच नहीं करना होता है। तो ये हमारा हो गया हैंड वॉश। उसके बाद मंदिर में क्या होती है, घंटी होती है, तो उसको भी सब छूते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक सेंसर बेल लगी हुई है, यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है, इसे 6 इंच दूरी पर ही मैं अपना हाथ रखूंगी और वो बेल अपने आप बज जाएगी। तो मंदिर के अंदर चलते हैं। ये ऋषभ देव भगवान जी हैं, जैनियों के 24 भगवान होते हैं जिनको 24 तीर्थंकर बोलते हैं। तो सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जी। तो ये देखो मंदिर में क्या क्या होता है। ये एक कॉर्नर है, यहाँ पे जो अलमीराज हैं यहाँ पर हमारे ग्रंथ रखे होते हैं, शास्त्र रखे होते हैं, पूजन की पुस्तकें रखी होती है, ये देखो सारों में सारी में। और इसके बाद हमारे बैठने की चीज़ें होती है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सारे ग्रंथ ही रखे हुए हैं। ये हमारे महाराज जी की फ़ोटो है जो मंदिर में लगी हुई है, साथ ही आप मंदिर को देख लीजिए कैसा दिखता है। ये मंदिर के पुजारी जी हैं जो पूरा मंदिर देखते हैं, साथ ही जो मंदिर में हम चावल चढ़ाते हैं, ये वो चावल बार बार उठाना, किसी के पैर ना लगे इसलिए मंदिर क्लीन करना, ये सब इनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हम चावल ही क्यों चढ़ाते हैं, हम फूल फल दूध ये सब क्यों नहीं चढ़ाते अपने भगवान को। दोस्तों फूलों का क्या होता है कि आप अगर फूलों को तोड़ेंगे तो हमारे में ऐसा बोला जाता है कि उसमें फूलों को दर्द होगा और उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे चींटियाँ होती है, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो मर जाते हैं और ज़मीन में गिरे हुए फूल हम नहीं चढ़ा सकते भगवान को। दूध का भी यही है, अगर हम दूध चढ़ाएंगे तो दूध जो है अगर उबालोगे नहीं तो वो ख़राब हो जाता है, और ख़राब दूध मतलब वो वेस्ट हो जाता है, प्लस अगर वो नीचे गिर गया तो भी वो लोगों के पैर में लगता है तो वो सारा वेस्ट होता है। और गेहूँ, गेहूँ क्यों नहीं चढ़ाते, चावल ही क्यों चढ़ाते हैं, गेहूँ गेहूँ जब पानी के संपर्क में आता है तो जो गेहूँ है वो अंकुरित होकर और बढ़ने लगता है, तो इसलिए हम गेहूँ भी नहीं चढ़ाते। बस चावल ही एक ऐसी चीज़ है जो पानी में आने के बाद
जो है वो बढ़ती नहीं है। और प्लस अगर चावल अगर ज़मीन में गिर भी गया तो उसको हम आसानी से उठा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम चावल को चढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर, क्योंकि ऊपर भी एक मंदिर है। तो चलो देखते हैं, ऊपर जो मंदिर है वो 2400 भगवान का मंदिर है। मैंने आपको बताया था कि जैनियों के 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 भगवान होते हैं, तो ऊपर जो मंदिर होता है वो 24 भगवान का मंदिर है। देखो ऊपर का मंदिर कैसा है दोस्तों। अभी जो ये स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पर सारे बैठने के अरेंजमेंट होते थे, छोटा सा टेबल होता था, चटाइयाँ बिछी होती थी और उसमें हम बैठकर पूजा करते थे। देखो ऊपर भी बिल्कुल वैसे ग्रंथ, पूजन की पुस्तकें और सब कुछ रखे हुए हैं। ये सरस्वती माता हैं और ये है हमारे 2400 भगवान हीम हीम में, ये देखो। और ये सारा मंदिर है। एक्चुअली अभी थोड़ा सा इसको जगह बनाई गई है यहाँ पर। यहाँ पर देखो जगह जगह पे मार्क भी किए गए हैं कोरोना के कारण, कि कैसे कैसे आपको खड़े होना है, वरना यहाँ पर पूरी जगह मैट बिछी होती थी, चटाइयाँ बिछी होती थी और इसमें बैठकर हम पूजा करते थे, जाप देते थे। सो दोस्तों पूजा करने के बाद हम तीन परिक्रमा करते हैं भगवान जी की, ऐसा तो सारे मंदिरों में होता है। तो आप मुझे पूजा करते हुए देखिए। सॉरी मैंने पूजा बोला, एक्चुअली ये पूजा नहीं है, प्रॉपर पूजा अलग होती है जैनियों की। मैं सिर्फ दर्शन कर रही हूँ भगवान के, और मैं चावल से भगवान के दर्शन कर रही हूँ। और हमारा जो मंत्र होता है नमोकार मंत्र, वो हम पढ़ते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, साथ ही हम भगवान के अर्घ देते हैं और तीन परिक्रमा करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा जैन धर्म से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उसका अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आप लोगों को नहीं बता पाई हूँ। अब वापस चलते हैं नीचे। एक्चुअली मुझे अभी आदत नहीं है ना कैमरे की, तो मैं मुझे बार बार कैमरे में देखना पड़ रहा था कि मैं कैमरे में दिख रही हूँ कि नहीं। तो बाकी मंदिरों में जब पूजा होती है तो हम सिंदूर लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैन मंदिर में होता है, बस यहाँ पर हम चंदन लगाते हैं। और साथ ही यहाँ भगवान के अभिषेक का जल होता है, इसको हम गंधोदक बोलते हैं, वो भी हम लगाते हैं। और अगर कोई चावल लाना घर से भूल गया है तो वो उसके लिए भी यहाँ पर रखा होता है, आप चाहे तो यहाँ से लेकर दर्शन कर सकते हैं। तो फिर अब देखो सबसे पहले मैं चंदन लगाऊंगी, ये देखो हमने चंदन लगाया, सबको खुद से लगाना होता है। उसके बाद हम भगवान का गंधोदक लेने के पहले हम सबसे पहले जल से अपने हाथ को धोते हैं, जैसे हमारा हाथ धुल जाता है, वहाँ चम्मच रखी हुई है उससे हम गंधोदक लेते हैं और अपने आँखों में सब जगह सिर में लगा लेते हैं गंधोदक, और फिर एक बार हाथ धो लेते हैं पानी से। तो ये था जैन मंदिर हमारा। सो दोस्तों जैन मंदिर के बाहर एक हर संडे एक की छोटी सी शॉप लगती है, ये सारी जो है ये शुद्ध हाथ की बनी हुई चीज़ें ये बेचते हैं। पापड़ होता है, चिप्स होते हैं, बहुत से नमकीन्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, सब हाथ के बने होते हैं और बिल्कुल छने हुए पानी के बने होते हैं। जैनियों का दिवाली मनाने का अपना रीज़न होता है, क्योंकि इस दिन उनके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था, तो जैनी इसलिए दिवाली मनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे दो। और मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। मुझे नहीं पता वो ब्लॉग कब आएगा, आई होप सो बहुत जल्दी आ जाएगा वो ब्लॉग। तो मेरे उस ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय जिनेंद्र।